नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड यात्रा की। मसूरी और नैनीताल टूरिस्ट प्लेस हैं, उनको लेकर जो सरकार है या कह सकते हैं वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और उसके साथ साथ हरिद्वार यात्रा के लिए भी आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द सावन का महीना शुरू होने वाला है और कांवड़ यात्रा पहले ही रद्द हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हरिद्वार अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, और जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर हैं, हरिद्वार के जो बॉर्डर हैं, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सख्ती होने वाली है। कांवड़ियों के लिए जो सीमाएं हैं वो भी सील हो जाएंगी। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि हर एक ज़रूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी जो है आपके साथ और भी लोगों को मिल सके। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, उत्तराखंड से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं अगर आप मसूरी और नैनीताल की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो वीकेंड के दिनों में जाते हैं। मसूरी और नैनीताल की ये जो अपडेट है ये वीकेंड दिनों की है, क्योंकि वीकेंड दिनों में ही सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो रही थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनज़र पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर जुट रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने वीकेंड पर मसूरी में दोपहिया से प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यही है कि अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो वीकेंड के दिनों में आप मसूरी नहीं जा सकते। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मसूरी, सहजधारा और गुच्चू पानी जैसे पर्यटक स्थलों पर वीकेंड पर नदी, तालाब व झरनों में पर्यटकों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आप वीकेंड के दिनों में चाहते हैं कि सहजधारा, गुच्चू पानी, ऐसे जो झरने हैं यहां पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, आप यहां नहीं जा सकते। और वहीं मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए भी 72 घंटे के भीतर कोरोना की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट, देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन व होटल में बुकिंग की व्यवस्था पिछले हफ्ते की तरह अनिवार्य रहेगी। अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, 72 घंटे पहले की आपको RT-PCR कोरोना की जांच दिखानी होगी, उसके बाद स्मार्ट सिटी पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो होटल की जो बुकिंग है उसकी भी पहले से आपको करनी होगी, तभी आप मसूरी जा सकते हैं। लेकिन मसूरी जाने के साथ अगर आप चाहते हैं कि इन झरनों में चले जाएँ तो वहाँ झरने जो हैं प्रतिबंधित रहेंगे, वहाँ पर वीकेंड के दिनों में आप नहीं जा सकते। और ये व्यवस्था शनिवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। लेकिन अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो आप कार से आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आपको वही शर्तें हैं कि आपको डिटेल्स दिखानी होगी, रिपोर्ट दिखानी होगी, रजिस्ट्रेशन के कागज़ दिखाने होंगे और उसके साथ साथ होटल की बुकिंग दिखानी होगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ हाई कोर्ट के आदेश पर नैनीताल में वीकेंड पर दोपहिया के प्रवेश पर पिछले हफ्ते ही रोक लगा दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि नैनीताल में तो पिछले हफ्ते से ये रोक लगा दी गई थी और मसूरी में इस हफ्ते से दोपहिया जो वाहन है उन पर रोक लगा दी गई है, आप उससे नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड की सीमाएँ या हरिद्वार की जो सीमाएँ हैं जहाँ पर कांवड़ियों का प्रवेश होता है, उसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र प्रतिबंधित किए गए कांवड़ मेले में यात्रियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। SSP सेंथिल अबुदेई कृष्णराज एस ने बुधवार को जनपद के सभी CO और थाना कोतवाली प्रभारियों के साथ बैठक कर यात्रियों को रोकने की फुल प्रूफ रणनीति बनाई है। तय हुआ है कि रोक के बावजूद गाँव देहात के रास्तों से हरिद्वार आने वाले यात्रियों के वाहन को सीज कर मुकदमे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यक पड़ी तो हरिद्वार की सीमाएं भी सील की जाएंगी।
वहीं डीजीपी ने कहा है कि 24 जुलाई से सीमा पर सख्ती की जाएगी। तो इसका मतलब यही समझ सकते हैं, अगर आप 24 जुलाई के आसपास हरिद्वार या उत्तराखंड में प्रवेश करना चाहते हैं तो उस समय जो बॉर्डर है वहां पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और अगर आप कांवड़ यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ जो और लोग हैं उनको भी ये पहले से जानकारी मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।